आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है 108वीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में बृहद स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदस्यता अभियान में भाग लिया है। आज पूरे प्रदेश में हर बूथ पर हम जाएंगे, कम से कम 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है। देश दुनिया के जाने माने उद्योगपति भाग ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश औद्योगिक जगत में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं लोकतंत्र का एक बड़ा? देखिए, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में जिस ढंग से धारा 370 समाप्त होने के बाद डेवलपमेंट बढ़ा है, लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ वहाँ जनता में लोकप्रिय हो रही है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। खाने पीने की दुकानों पर सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया। देखिए, इधर जो घटनाएं प्रकाश में आई हैं उसके लेकर शुचिता पारदर्शिता पूर्वक शासन देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है 108वीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में बृहद स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदस्यता अभियान में भाग लिया है। आज पूरे प्रदेश में हर बूथ पर हम जाएंगे, कम से कम 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है। देश दुनिया के जाने माने उद्योगपति भाग ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश औद्योगिक जगत में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं लोकतंत्र का एक बड़ा? देखिए, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में जिस ढंग से धारा 370 समाप्त होने के बाद डेवलपमेंट बढ़ा है, लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ वहाँ जनता में लोकप्रिय हो रही है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। खाने पीने की दुकानों पर सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया। देखिए, इधर जो घटनाएं प्रकाश में आई हैं उसके लेकर शुचिता पारदर्शिता पूर्वक शासन देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है 108वीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में बृहद स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदस्यता अभियान में भाग लिया है। आज पूरे प्रदेश में हर बूथ पर हम जाएंगे, कम से कम 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है। देश दुनिया के जाने माने उद्योगपति भाग ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश औद्योगिक जगत में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज जम्मू कश्मीर में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं लोकतंत्र का एक बड़ा? देखिए, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में जिस ढंग से धारा 370 समाप्त होने के बाद डेवलपमेंट बढ़ा है, लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ वहाँ जनता में लोकप्रिय हो रही है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। खाने पीने की दुकानों पर सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया। देखिए, इधर जो घटनाएं प्रकाश में आई हैं उसके लेकर शुचिता पारदर्शिता पूर्वक शासन देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।